तो गाइज आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं GTA 5 की सीडी जो कि ओरिजिनल है। मतलब इसके अंदर हमें 7 सीडीज देखने को मिलती हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं कि ये मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता 2024 के अंदर। इवन के 2018 में भी मेरे से पूछते मैं उस टाइम भी ये रिकमेंड ना करता। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको वीडियो के अंदर बता दूंगा कुछ देर तक। चलो इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले यार आपको पता ही है वैसे कि यार ये GTA 5 का लोगो है, अल मशहूर ब्रांडिंग है इसकी। और पीछे की जो इसकी बैक साइड है वो कुछ ऐसी देखने को मिलती है। ऊपर लॉस सैंटोस ट्रेवर एक गाड़ी हमें देखने को मिलती है और 3 नमूने खड़े हुए हैं यहाँ पे। हमें ये सारी चीज़ें ही देखने को मिलती हैं। चलो जी सबसे पहले तो गाइस मैं सीडीज आपको दिखा देता हूँ। तो हमें मिलता है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 का लोगो और पीछे हमें देखने को मिलता है ट्रेवर। साइड में फिर हमें ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 का लोगो देखने को मिलता है। इस बार ही शुक्र है रॉकस्टार ने अपनी भी ब्रांडिंग की है। चलो जी अब हम इसकी असल अनबॉक्सिंग पे आते हैं। तो अभी डब्बे को हम थोड़ा साइड पे कर देते हैं। हाँ इधर रख देते हैं। ये गाइस ये सेटअप का हिस्सा नहीं है, लटकती हुई तार को आप इग्नोर करें। What? चलो जी अब मैं आपको सीडीज दिखा देता हूँ कि यार सीडीज कैसी हैं। वैसे तो आपने इसकी 100 वीडियोस देख ही चुके होंगे आप यार इसकी अनबॉक्सिंग की। तो ये हमें देखने को मिलती है सीडी। तो गाइस ये रही डिस्क 1 2 3 4 5 6 7। ये डिस्क हमको देखने को मिल जाती है। सारी की सारी पीसी पे इंस्टॉल होती है। ये नहीं है कि ये एक ही डिस्क है जो डाउनलोड होगी, बाकी सिर्फ शो पीस के लिए है। शो पीस जो है ना असल वो ये गेम्स हैं। ये आप देख सकते हो ये सारी की सारी शो पीस है। अगर आपको कोई ये गेम चाहिए तो यार मैं सारों को दे रहा हूँ 400-500 रुपए की। इसके ऊपर गाइस हम ऑक्शन भी कराने वाले हैं, जिसने ज्यादा पैसे दे दिए उसकी गेम हो जाएगी। ठीक है वैसे रेट जो है वो 400-500 रुपए में यार आप लेके जा सकते हो सीडी। ओके गाइस अब हमारी ये सीडीज तो हो गई। मैं आपको एक निकाल के दिखाई देता हूँ यार। सीडी जो है ना सबसे पहले निकाली मैंने, ये है गाइस हमारी डिस्क 1। ओके तो गाइस ये जो चीज़ है ना इसके अंदर असल माल पड़ा हुआ है, हमारे GTA ऑनलाइन के कोड्स जो कि मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ। ये लो यार। तो यार ये कोड वगैरह मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ ऑलरेडी। इसमें हम मुझे तकरीबन $2,00,000 मिले थे। ये इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। GTA ऑनलाइन हमें बताया कि कैसे आप खेल सकते हैं। और इधर भी शार्क कार्ड की जो है ना प्रोमोशन चल ही रही है। तो गाइस ये हमारा पहला पेपर वर्क हो गया। दूसरा पेपर वर्क खोल लेते हैं। और ये रही कुछ यूज़र मैनुअल जो कि कोई नहीं पढ़ता। मैंने तो पढ़ी थी यार क्योंकि मैंने गेम ली थी ना, तो मैंने कहा मुझे तो सभी पढ़ना है इसके अंदर, जबकि मेरे काम की कोई चीज़ नहीं थी इसके अंदर। और बस ये हमको देखने को मिल जाता है। और फिर जो असल चीज़ है ना गाइस, जिसको तय लगाना इतना मुश्किल काम है, मैप जो कि यार मैं पता नहीं कितने अरसे बाद खोलने लगा हूँ। वैसे तो इसको यार लोग मतलब फ्रेम करके लगवा देते हैं अपनी दीवारों के ऊपर, मैंने इसको अभी तक सीढ़ियों के अंदर ही रखा हुआ है। अब इसको तय लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, लेकिन मैंने कहा यार चलो वीडियो के लिए दिखाई देते हैं सारों को। जो असल माल है वो तो हम दिखा ही नहीं रहे। तो गाइज ये रहा मैप। अब पता नहीं तो गाइज ये रहा मैप। ये हमें लॉस सैंटोस देखने को मिल जाता है, ये हमें सैंडी शोर्स देखने को मिल जाता है, और लॉस सैंटोस काउंटी का एरिया देखने को मिल जाता है। पीछे भी हमें इसका काफ़ी सारा माल देखने को मिल जाता है। मेरे ख्याल यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है लॉस सैंटोस के शहर को। और गाइज ये काफ़ी बड़ा मैप है, मतलब ना अभी ये फ्रेम में आ भी नहीं रहा सही तरीके से। तो ये हो गई यार इसकी अनबॉक्सिंग। ये रहा इसका असल माल। बाकी गाइस जो सीरियस है यार वो देख ले। ये 4 गेमें हैं, लास्ट ऑफ अस, कॉल ऑफ ड्यूटी, अनचार्टेड, फाइनल फैंटेसी। यार ये बाकी गेम जिसको नहीं लेनी ना वो ना ले, लेकिन ये ज़रूर ले ले कोई भी यार, ये नहीं बिकती भाई। मैं अब आपको बताता हूँ कि आपको ये DVD एडिशन क्यों नहीं ख़रीदना चाहिए। वजह बहुत सिंपल है, अगर आप DVD से इंस्टॉल करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा एरर्स आने वाले हैं, जिनको फिक्स करने में आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वो भी बिल्कुल फालतू में। कुछ एरर जो मुझे पेश आए थे वो थे स्लिप कॉल एरर, करप्ट गेम डेटा, वेरीफाइंग गेम इंटीग्रिटी, डाउनलोडिंग स्टक हो जाना, मतलब ये सारे के सारे एरर्स मैंने फेस किए थे और मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग किया था इन्होंने। और तकरीबन मैंने GTA 5 को 3 बार इंस्टॉल किया था DVD से, फिर जाके GTA 5 बिल्कुल स्मूथली रन की। ये बात मैं कर रहा हूँ 2018 की। अब तो और बुरे हालात होंगे इस गेम के। अगर तो आपको कलेक्शन बनाना पसंद है तो आप इस गेम को खरीद सकते हो। अगर तो आपको सिर्फ GTA 5 खेलनी है तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप DVDs लो। आप स्टीम से खरीद लो या एपिक गेम से खरीद लो। कैसे खरीदना है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसको जरूर से चेकआउट कर लेना।